बिहार प्रांत के मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े डकैतों ने घर में डकैती की घटना को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दी है। घटना मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के कोलुआ पैगंबरपुर अशोक बिहार कॉलोनी की बताई गई है, जहां दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई। जानकारी के मुताबिक मोतीपुर में राज खाद निगम में असिस्टेंट मैनेजर के रूप में तैनात रघुवंश प्रसाद के मकान में 3 से 4 संख्या में आए हथियारबंद बदमाशों ने उनकी बहू के साथ जमकर मारपीट की और उनको गन पॉइंट पर ले लिया। इसके बाद एक कमरे में मकान के सभी लोगों को बंद कर जमकर लूटपाट की। मकान के अलमारी में रखे 15,000 कैश और करीब 2.5 लाख रुपए की ज्वेलरी पर बदमाशों ने हाथ साफ कर दिया। घटना के समय घर के पुरुष मौजूद नहीं थे, घर में सिर्फ महिलाएं ही मौजूद थीं। लगभग 10 मिनट तक डकैतों ने घर में उत्पात मचाया। इधर घायल महिला का निजी अस्पताल में उपचार जारी है, अपराधियों ने उसे बंदूक के बट से घायल कर दिया। सूचना पर पहुंची अहियापुर पुलिस ने घर के सभी सदस्यों से पूछताछ शुरू कर दी। हैरानी की बात तो यह है कि बैरिया का अशोक बिहार कॉलोनी एक पॉश क्षेत्र है, जिसका मकान में यह वारदात हुई उस घर के अगल बगल में घना क्षेत्र है, लेकिन इस वारदात की भनक किसी को भी नहीं लगी। इधर पुलिस ने आसपास के लगे इलाकों में CCTV फुटेज देखने शुरू कर दिए हैं। कैसे क्या हुआ, क्या क्या ले गया? हम तो उसमें नहीं थे। आए तो क्या पता चला? आए तो अभी आ रहे हैं तो पता चला है कि आया था, गन दिखाया और सब ज्वेलरी ले गया चुरा के। क्या क्या था ज्वेलरी में? सब कुछ था, वही गला का सेट, टीका, नथिया, झुमका और चूड़ी, सब कुछ था। लगभग कितने का होगा? 2 लाख का होगा। लगभग 2 लाख सब ले गया ना? हाँ सब ले गया। ज्वेलरी कितने रूम से ले गया है? 2 रूम में ले गया। हाँ 2 रूम में ले, 2 रूम उसमें बड़ी तो क्या 2 रूम का? हाँ 2 रूम का। लगभग 2-3 लाख रुपया का ले गया। हाँ 2 लाख। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी कुमार। क्या क्या आप पकड़ लेते, क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ, पूरी बात बताओ। हम मोतीपुर SFC गोदाम में असिस्टेंट गोदाम मैनेजर हैं। हमको मेरा लड़का फ़ोन किया करीब 1:26 पर कि घर जाइए, घर में डकैती हो गया है, सो आप जल्दी जाइए। उसे सुन के हम जल्दी वहाँ से आए घर पर। घर पर पहुँचे तो देखे कि पुतो बेहोश है, उसको जो डकैत लोग आया था 3 आदमी करीब था, वो जख्मी कर दिया, बेहोश हो गई थी। पानी तब तक डॉक्टर को बुला दिया था, पानी चल रहा था। आने पर हम पूछे कि कैसे हुआ घटना, तो पता चला कि पोती हमारी स्कूल में पढ़ती है, कैम्ब्रिज स्कूल में, वहाँ से वो आई तो पुतो अंदर से ताला खोली, उसके बाद उसको नाश्ता देने चली गई, खाना देने चली गई। उसके बाद जो है सो तब 2 आदमी आके पहले बैठा सोफा पर, मेरी पुतो बाहर गई, कही कि आप लोग कौन है भाई। तब तक तीसरा आदमी जो पिस्टल लिए हुए था कान में पट्टी में सड़ा दिया, कहा कि चलो पहले गोदरेज खोलो और कहाँ कहाँ रखिए पैसा, गहना कहाँ है तुम्हारा। वो बेचारी डर से चाबी दे दी, गोदरेज खोल के उसका जो भी गहना था निकाल लिया। उसके बाद मैं दूसरा घर में ले आया जिसमें मेरी बड़ी पुतोह का गोदरेज है, उसको भी कहा कि चाबी दो, कहे कि मेरे पास चाबी नहीं है इसका। तो वो चाबी का गुच्छा लिया हुआ था, उसमें कुछ गुच्छा से खोलना चाहा लेकिन नहीं खोला, उनार दिया। उसके बाद में जो है सो उसमें जो भी गहना था वो भी ले गया। उसके बाद मेरा गोदरेज था, उस गोदरेज को में भी कपड़ा रखा रहता है, तो बाहर से खुला हुआ था, लॉकर बंद था। लॉकर में वो अपना चाबी से बहुत सारा चाबी लिए, उसे जैसे खोल के लगता है कि निकाल लिया, उसमें जो है 15,000 रुपया रखा हुआ था मेरा, वो निकाल के ले गया। रूम में भी बंद कर दिया था। हाँ तो ज्यों ही वो घुसा और पिस्टल दिखा के पुतो को कनपट्टी में लगाया तो कहे पूछा कि कितने बच्चे हैं, तो बोला कि